दोस्तों अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो ना तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहना। देखिए दोस्तों, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो और आपका यूट्यूब चैनल भी ग्रो नहीं कर रहा है ना, तो आप लोग जो है दो गलतियां करते हो जिससे आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आखिर यूट्यूब आपसे चाहता क्या है, दूसरा ये कि आखिर जो है यूट्यूब पर जो ऑडियंस है वो क्या चाहती है। इन दोनों चीज़ों अगर आप लोगों ने पता लगा लिया ना तो आपका यूट्यूब चैनल भी जो ग्रो हो जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर हम ये पता कैसे लगाएं कि यूट्यूब हमसे आखिर चाहता क्या है, दूसरा ये कि आखिर ऑडियंस क्या चाहती है, आखिर हम ऐसा क्या अपलोड कर दें जिससे वो जो है हमारी वीडियो को देखे और हमारे चैनल पर भी जो अच्छे खासे व्यूज आए और हमारा चैनल भी जो है ग्रो हो जाए। इन दोनों बातों का पता लगाने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता लगाना होगा कि आखिर जो हमारी ऑडियंस है वो क्या करती है, यानी किन लोगों की वीडियोस देखती है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना YT स्टूडियो ओपन कर लेना है। जैसे आप YT स्टूडियो ओपन कर लोगे, देखिए साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है मैं लगाता जाऊंगा, जैसे ओपन कर लोगे ना तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है और देखो यहां पर एनालिटिक्स का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑडियंस का, तो जैसे आप ऑडियंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना तो सबसे पहले दोस्तों आपको नीचे की ओर जाना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखो नीचे ऑप्शन मिलता है अदर चैनल योर ऑडियंस वाच, यानी कि आपकी जो ऑडियंस है वो इन चैनल्स को देखती है या इन चैनल्स की जो वीडियोस है उनको देखती है। ऊपर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी इन चैनल्स की, उन्होंने जो है वीडियोस देखी है तभी वो आपके चैनल पर जो है आ रही है। जिस तरीके के आप टॉपिक बना रहे हो वो आपके टॉपिक को भी देखने आ रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर ये बात आ जाती है कि आखिर हम किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं, वो तो टॉपिक्स पर वीडियो बना रहे हैं लेकिन हम किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं जो वो देखेंगे। तो इसके लिए चल रहा होगा आपको YT स्टूडियो पर, यानी कि डेस्कटॉप साइट ओपन करना है जो गूगल होता है ना क्रोम का, उसमें आपको अपना www.youtube.com या www.studio.com लिखकर आपको जो है सर्च कर लेना है। जैसे आप studio.com लिखकर सर्च करोगे ना तो आपके सामने जो है आपका चैनल डेस्कटॉप साइट पर ओपन हो जाएगा। अब यहीं से आप लोग पता लगा सकते हो कि आखिर आपकी जो ऑडियंस है वो किन टॉपिक्स पर आप लोगों से वीडियो चाहती है या किन टॉपिक्स पर आप वीडियो बनाओगे वो जो है अच्छी चलेगी और अच्छे उस पर व्यूज भी आएंगे। तो चलिए ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों अब हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप जैसे अपने चैनल को डेस्कटॉप साइट पर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनालिटिक्स का। जैसे आप एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है, देख सकते हो ऑडियंस का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना ऑडियंस वाले सेक्शन पर, चलिए तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे हमने इस पर क्लिक किया ना तो यहाँ पर देखो आपके सामने यहाँ पर देखो कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, वीडियो ग्रोइंग और ऑडियंस वाच, ठीक है। अब दोस्तों इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर आपको देख सकते हो सी मोर वाला एक ऑप्शन मिलता है तो हम इस पर कर देंगे क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना यहीं तो बार जो है बात समझने वाली है कि आखिर जो है ऑडियंस कितनी आ रही है और कौन से चैनल पर हमारी जो वीडियोस है वो अच्छी खासी चलेगी, यानी किन टॉपिक्स पर हमारी जो वीडियो है वो अच्छी खासी चलने वाली है। सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर आप जो है न्यू व्यूअर्स और रिटर्निंग व्यूअर्स वगैरह देख सकते हो, अगर आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो यहां पर मैं सबसे पहले बात करता हूं। यहां पर आप देखिए नंबर देख रहे हो, नंबर देख रहे हो ना, देखो कई सारी वीडियो पर देखो कई सारे नंबर डाले, देखो इस पर एक डाला, इस पर दो डाला, इस पर तीन डाला, इस पर चार डाला, इस पर पांच डाला, यानी कि जो नंबर है इसका ये मतलब है कि आपकी जो ऑडियंस है वो एक नंबर पर जो वीडियो देख रही है ना वो सबसे ज्यादा आपकी ऑडियंस देख रही है। और दूसरी यहां पर जो आप ऑडियंस दूसरे नंबर पर जो वीडियो देख रहे हो इसका भी यही मतलब है कि आपकी जो ऑडियंस है वो इन टॉपिक्स पर वीडियो देख रही है। और दोस्तों ये जो एक नंबर पर जो वीडियो चल रही है इसका ये भी मतलब होता है कि आपकी ऑडियंस आखिर नई कितनी आ रही है, यानी कितनी ऑडियंस आपकी वीडियो देख रही है। सबसे पहले तो दोस्तों फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर कुछ बातें यहां पर समझिए, ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना ये वायरल अभी हो चुकी है, ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपलोड की थी। सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर देखो न्यू व्यूअर्स, यानी कि 7 दिन में इस पे देखो 10,033 जो न्यू व्यूअर्स यहां पर आ रहे हैं, यानी कि हमें इन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बना, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर हमारा यहां पर पता चलता है एनालिटिक्स कि 7 दिन के अंदर अंदर हमारे चैनल पर 10,000 न्यू व्यूअर्स आए। अगर हम 10,000 न्यू व्यूअर्स को जो है रिटर्निंग व्यूअर में कन्वर्ट करेंगे ना, यानी कि इसी टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाएंगे ना, तो हमारा जो वीडियो वो अच्छा खासा चल जाएगा और हमारे चैनल पर भी जो अच्छे खासे व्यूज जो है वो आ जाएंगे। ये तो हो गई एक। अगर मान लीजिए आप दूसरे नंबर पर क्लिक करोगे, ध्यान से आप लोग सुनना, ठीक है, ये बताता है कि आपके चैनल पर ऑडियंस कितनी आ रही है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हो 7 दिन में 8,000 ऑडियंस आ रही है। अगर मैं इसी टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाऊं कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह के ऊपर तो अच्छे खासे मुझे व्यूज देखने को मिल जाते हैं। जैसे दोस्तों अभी मैंने बताया था ना स्ट्राइक कैसे हटा है, तो उस पर भी अच्छे खासे व्यूज आए। तो इसी तरीके से आप भी जो है पता लगा सकते हो कि हमें किन टॉपिक्स पर वीडियो बनानी है जिससे हमारा जो व्यूअर्स है न्यू व्यूअर्स वो दोस्तों इसी तरह से मैं भी पता लगाता हूं कि आखिर मेरी ऑडियंस किन टॉपिक्स पर वीडियो देख रही है। देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हो जब भी मैं हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाता हूं तो मेरे अच्छे खासे व्यूज आते हैं और वीडियो भी जो है वायरल हो जाती है। इसी कारण से मेरा वीडियो जो है वायरल होता है और मेरे वीडियो पर भी अच्छे खासे व्यूज आते हैं। इन दोनों ट्रिक्स का आप यूज करो, 100% आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आई छोटा सा लाइक करना, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।